चंडीगढ़ के भाजमोई के प्रदेश अध्यक्ष अमित राणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राणा यूटी पुलिस के इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह को बुरी तरह डांट रहे हैं। यहां तक कि वे उन्हें अपने राजनीतिक पहुंच की धौंस भी दिखा रहे हैं। हालांकि भाजपा अध्यक्ष की इस वीडियो के मामले को कांग्रेस ने भुनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ के भाजमियों के प्रदेश अध्यक्ष अमित राणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह यूटी पुलिस के इंस्पेक्टर को बुरी तरह से डांट रहे हैं। बीते वीरवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार जब्त कर ली। ये कार अमित राणा के भाई अरविंद राणा की थी। पुलिस के मुताबिक अरविंद के पास ना ही लाइसेंस था और ना ही RC। गाड़ी जब्त होने के बाद अरविंद अपने भाई अमित राणा और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी को छुड़वाने के लिए सेक्टर 29 स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उनका पुलिस इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा हुआ, जो वीडियो में रिकॉर्डेड है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह राणा पुलिस इंस्पेक्टर पर अपनी धौंस जमा रहा है। वहीं चंडीगढ़ के अध्यक्ष संजय टंडन से इस बात पर जब सवाल पूछा गया तो वह कैमरे पे बोलने से बचते नजर आए। वहीं अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। चंडीगढ़ की महापौर और कांग्रेस पार्षद पूनम शर्मा का कहना है कि इससे पहले भी अमित के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने की शिकायतें आई हैं, इसीलिए पुलिस को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक घटना है, क्योंकि पहले भी उनके बारे में, अमित राणा की आप बात कर रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि गुंडा राज पैदा करने के लिए BJP ने शायद उनको अपनी पार्टी में रखा हुआ है। भाजपा अध्यक्ष अमित राणा ने कहा है कि उनके वीडियो के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका पुलिस से झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन इसमें गलती पुलिस की ही थी। वहीं जब इस मामले में पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।